मैंने जब कृषि कार्य शुरू किया, ये बात 1990 की है, उसमें सबसे पहले हम लोगों का आम एक बड़ी समस्या थी उसको बेचना। उस जमाने में हम लोगों ने अपना टेक्निक लगाया, एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो, उसके बाद ग्रेडिंग हो, उसके बाद पैकेजिंग हो, तब उसकी मार्केटिंग हो, तो जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा, उससे हम लोगों को लाभ मिला। फिर आगे बढ़े, उसमें फिर नए नए तकनीक का इस्तेमाल किए, जैसे आम में मल्चिंग का हम लोग इस्तेमाल करने लगे, मल्चिंग से पानी का बचत होने लगा, उसमें खरपतवार का पर नियंत्रण पा सके, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ी, और कन्वी मैनेजमेंट से काफ़ी हमें लाभ मिला और आम के उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद हम लोगों के यहाँ भिंडी की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जो पारंपरिक तरीके से होती थी, मैंने उसमें अपना टेक्निक लगाया और भिंडी के सघन खेती शुरू की। सघन खेती में इससे हमें लाभ ये हुआ कि जो पहले जहाँ 200 केजी प्रति एकड़ हम पाते थे एक दिन में, वहाँ अभी हमें 550 से 600 केजी हम प्रतिदिन उसमें पा लेते हैं। इतना जरूर ध्यान रहे कि भिंडी एक दिन के अंतराल पर ही उसको तोड़ा जाता है, उसकी तुराई होती है।